नमस्कार, मैं कैलाश पंडित, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग आर एस कॉलेज तारापुर। आज फिर मैं आप लोगों के समक्ष सूरदास जी के एक पद की व्याख्या लेकर प्रस्तुत हूँ। इसके पहले मैंने एक सूरदास जी के ही पद की व्याख्या कर चुका हूँ। यह पद सूरदास जी के द्वारा रचित सूर सागर के भ्रमर गीत प्रसंग से लिया गया है, उद्धृत है एवं आपके पाठ पुस्तक में संकलित है। भ्रमर गीत प्रसंग के बारे में एवं सूरदास जी के बारे में हमने संक्षेप में चर्चा पहले कर चुके हैं। आज भ्रमर गीत के बारे में फिर से थोड़ा प्रकाश डालते हुए इस पद की व्याख्या की ओर चलेंगे। सूरदास जी के सूर सागर के दसवें स्कंध में बाल कृष्ण लीला एवं भ्रमर गीत प्रसंग विस्तार पूर्वक आया है। यह एक उपालंब काव्य के रूप में प्रसिद्ध है और इसमें गीति तत्वों का समावेश सर्वोत्कृष्ट है। इस भ्रमर गीत प्रसंग के माध्यम से सूरदास निर्गुण पर सगुण का विजय, ज्ञान एवं योग के गर्व को चूर करना, भक्ति एवं प्रेम का पताका लहराना इत्यादि कार्य सफलतापूर्वक किया है। भक्ति एवं प्रेम के आधार पर सूरदास इस समाज को उन्नति एवं सद्भाव के पथ पर प्रेरित करने का सफल प्रयास करना चाहें। उद्धव जी जो श्री कृष्ण के परम मित्र हैं, और ज्ञानी भी हैं, वे भी गोपियों के भक्ति एवं प्रेम के आगे झुकना ही मुनासिब समझा। गोपियों के विरह वेदना जो कि कृष्ण के प्रेम में उत्पन्न हुआ है, उसको देखकर उद्धव जी भी द्रवित हो गए और जब वो मथुरा लौटे तो अपने अश्रुपूर्ण नेत्रों से एवं भाव विह्वल हृदय से श्री कृष्ण को गोपियों की दशा बताते हैं। सूरदास अपने पदों के माध्यम से समाज द्वारा भक्ति को अपनाने का संदेश देना चाहते हैं। अब
हम पद की ओर बढ़ते हैं। पद राग सोरठ में है। सूरदास जी के द्वारा रचित भ्रमर गीत के सारे पद किसी न किसी राग रागनियों में बद्ध है और गीति तत्वों से ओतप्रोत है। पद इस प्रकार है, कहियो नंद कठोर भय हम दो बीरे डारी परे घर मानो थाती शॉप गए तनक तनक ते पाल बड़े किए बहुत सुख दिख राए गौचारण को चालत हमारे पीछे कोशक धाए ये वसुदेव देव की हम शो कहत आपन जाए बहुरी विधाता जसुमती जू के हम ही न गोद खिलाए कौन काज यही राज नगरी को शन सुख जो सुख पाए सूरदास ब्रज समाधान करू आज कल ही हम आए। इस पद में प्रस्तुत कठिन शब्द इस पद में आए हुए कठिन शब्दों के शब्दार्थ इस प्रकार हैं, बीरे भाइयों, बीरे भाइयों को पर घरे दूसरे के घर में थाती धरोहर अमानत तनक तनकते छुटपन बचपन से कोशक यहाँ कोशक यहाँ एक दूरी का माप है एक कोस दूरी तक समाधान धैर्य शांति तसल्ली दाढ़ी छोड़ जाना बहुरी पुनः फिर दोबारा। अब इस पद के संदर्भ को देखते हैं। संदर्भ में हम देखेंगे प्रस्तुत पद सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर के भ्रमर गीत प्रसंग या उद्धव गोपी संवाद प्रसंग से आपके पाठ पुस्तक में संकलित है। यह पद शुक्ल जी के द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार पुस्तक में भी उपस्थित है रचित है। संदर्भ के बाद प्रसंग की बात करते हैं कि यह पद किस प्रसंग से है, इस पद में किस प्रसंग की उपस्थिति हुई है या क्या कहना चाहता है, यह पद किससे संबंधित है। पद की प्रसंग, प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण उद्धव जी को गोकुल भेजते हुए संदेश कहते हैं एवं अपने माता पिता के प्रति प्रेम व्यक्त करते हैं। इस पद में कृष्ण ने नंद के प्रति उपालंब यह उलाहना दिया है। श्री कृष्ण इस पद में
नंद से दुखी है और प्यार भरे शिकायत करते हैं। नंद कठोर भय, वे कहते हैं कि नंद जो श्री कृष्ण के पिता हैं वो कठोर हो गए। तो इसमें प्रसंग में एक श्री कृष्ण उद्धव के माध्यम से शिकायत करते हैं अपने पिताजी से। अब पद की व्याख्या की ओर चलते हैं। व्याख्या हम इस प्रकार देख सकते हैं, कहियो नंद कठोर भय। उद्धव को श्री कृष्ण गोकुल भेजते हैं, ब्रज भेजते हैं और समझाते हैं कि आप वहां जाइए और कहिए, कहियो कहिए नंद कठोर भय, कहिए नंद जी से कि नंद जी आप कठोर हो गए, आप इतने कठोर कैसे हो सकते हैं, आप में प्रेम कृष्ण के प्रति बलराम के प्रति नहीं बचा है। कठोर शब्द का मतलब है कि वात्सल्य भाव क्या आपके मन में नहीं रह गया। कठोरता का कारण भी स्पष्ट करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि हम दो वीर डारी पर घरे मानो थाती सौंपी गए। हम दोनों भाइयों को, श्री कृष्ण जी को और उनके भाई बलराम को, दूसरे के घर में मथुरा में छोड़कर चले गए। और अपने धरोहर को, अपने अमानत को ऐसे छोड़कर मानो निश्चिंत होकर बैठ गए। ऐसा होता है क्या कि कोई अपने थाती, धरोहर, अमानत को किसी दूसरे के घर में छोड़कर बिना चिंता के आराम से बैठ जाता है? ऐसा नहीं होता। उनसे कहना कि वो कठोर हो गए। तनक तनक तय पाल बड़े किए बहुते सुख दिख राए। जब हम छोटे थे, दोनों भाई बहुत छोटे थे, उसी समय से इन्होंने बचपन से, छुटपन से इन्होंने हमें पाल पोस कर सारे दुखों को सह कर बड़े किए। और अपने दुखों को सहा लेकिन हमें बहुत सुख दिए। किसी भी चीज की कमी होने नहीं दिए। प्रेम की धारा को अविरल रूप से हमारे ऊपर बहाते रहे। गौचारण को चालत हमारे पीछे
कोशक धाये। जब हम दोनों भाई ग्वालों के संग गाय चराने जाते थे, ब्रज में गायों को चराने जब हम जाते थे तो हमारे पीछे पीछे आप नंद जी कोसों दूर निकल जाते थे और उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती थी, सिर्फ आपके मन में, दिल में, आत्मा में जो वात्सल्य भाव, जो पुत्र प्रेम पनपता था, बस उसके आवेग में आप कोसों दूर हमारे साथ चले आते थे। यह सब प्रेम कहाँ रह गया? आप इतने कठोर कैसे हो गए? प्यार से युक्त शिकायत श्री कृष्ण उद्धव जी के माध्यम से अपने पिता से करते हैं। ये वसुदेव देव की हम सो कहत आपन जाए। यहाँ मथुरा में वसुदेव एवं देवकी हमें अपना कहते हैं, अपने पुत्र बताते हैं, पर मेरे तो पिता आप हैं, मेरी माता यशोदा जी हैं। पर ये दोनों हमें अपना क्यों मानते हैं, अपना क्यों कहते हैं? आपने जाए अपना मानते हैं, अपना मानने लगे हैं। बहुरी विधाता जसुमति जू के हम ही न गोद खिलाए। बहुरी दोबारा पुनः पुनः या फिर से हम दोनों भाई जसोदा जी की गोद में नहीं खेल पाए, विधाता ने ऐसा नहीं होने दिया। ऐसा लगता है, मानो ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत दिनों से फिर दोबारा यशोदा मैया आपके गोद में हम ना खेल पाए। यह कषक श्री कृष्ण जी के मन में, दिल में उठता है। उनके मातृ प्रेम के कारण वह ऐसा बोलते हैं कि दोबारा विधाता जी ने हमें क्यों आपके गोद में खेलने का मौका नहीं दे रहे? हम फिर से उसी यशोदा माता के गोद में खेलना चाहते हैं, उसी यशोदा माता के छत्र छाया में जीना एवं पलना चाहते हैं। कौन काज यही राज नगरी को सन सुख जो सुख पाए। यद्यपि मैं मथुरा में राज का काज कर रहा हूँ, यहाँ मैं राजा हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ एवं यहाँ मुझे बहुत सुख समृद्धि एवं यश प्राप्त, फिर भी यह सब चीज किस काम के? कौन काज किस काम के? सन सुख जो सुख पाए, यहां राजा होते हुए भी वह सुख नहीं पा पाए।
जो गोकुल में सुख हमने भोगे हैं। हे नंद मेरे पिताजी और यशोदा माता, आपके प्यार के सामने, आपके प्रेम के सामने यह जो राजनगरी मथुरा है, यह जो वैभव के जीवन है, यह कुछ भी नहीं भा रहा है। ऐसा भाव श्री कृष्ण उद्धव के माध्यम से नंद जी से शिकायत भरे लहजों में कहना चाहते हैं। और यहाँ यह भी बताना चाहते हैं कि उस गांव का जो वातावरण है, इस नगरीय वातावरण से, नगरीय सुख शांति से कहीं ज्यादा है। सूरदास ब्रज समाधान करू आज काल ही हम आए। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा कि तुम ब्रज वासियों की तसल्ली इस तरह से कर देना, उनके मन में शांति, उनके मन में धैर्य इस प्रकार से भर देना, धैर्य बंधा देना कि हम मथुरा से गोकुल एक दो दिन में ही आ जाएंगे। आजकल मतलब अविलंब जल्दी गोकुल आएंगे और सभी के सुधि लेंगे, सभी से मिलेंगे और जो वियोग भावना, जो वियोग के कारण स्थिति उत्पन्न हुई, सबका हम निदान करेंगे। श्री कृष्ण जी उद्धव जी को समझाते हैं और कहते हैं कि हमारे पिता नंद जी, हमारे परिजनों और गोपियों को आप धैर्य बनाइए, शांति दिलाइए। यह पद की व्याख्या का हमने चर्चा किया है। अब इस पद के साहित्यिक विशेषताएं या सौंदर्य के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। इस पद में जो विशेषताएं आई हैं, इस पद में जो सौंदर्य है, सूरदास जी ने पुट करना चाहा है, वह इस प्रकार है। मर्म की दृष्टि से यह एक सुंदर पद है। इसमें मर्म दुख की अभिव्यंजना हुई है। दोनों पक्ष दुखी हैं, पर श्री कृष्ण जी ज़्यादा व्यथित हैं। दूसरा स्मृति व चिंता है, इसलिए यहाँ संचारी भाव का प्रधानता है। संचारी भाव उद्भव हुआ है। फिर है तनक तनक तैपाली,
इस पंक्ति में नंद जी के वात्सल्य भाव की व्यंजना हुई है। यहाँ वात्सल्य भाव, वात्सल्य प्रेम उद्भव हुआ। अगला पंक्ति है, कौन काज यही राज नगरी। यहाँ ग्राम्य संस्कृति का महत्व दिखाया गया है। यद्यपि मथुरा नगर है, वैभवपूर्ण है, सारे सुख सुविधाओं से परिपूर्ण है, फिर भी ग्राम जो गोकुल है उसकी सुख शांति को सर्वश्रेष्ठ दिखाना सूरदास जी ने चाहा है। मानो थाती सौंपी गए, इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार एवं लक्षणा का प्रयोग हुआ है। मानो थाती, मानो मानहु, जानो जानहु, जहां आता है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। थाती धरोहर अमानत। यहाँ थाती का अर्थ लक्षणा से, लक्षणा शब्द शक्ति से निकल रहा, तो यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग उन्होंने किया है। आगे है, बहुरी विधाता जस्सु मतिजु। यह पंक्ति में यशोदा जी का मातृ प्रेम की व्यंजना हुई है। सूर दास जी ने इस पद के माध्यम से लोगों के समक्ष भक्ति भावना को प्रेरित करने का सफल प्रयास किए। धन्यवाद।